आपके सिटी में कैसा मौसम चल रहा है वो बताइए। और दूसरा ये कि आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, दो स्पेशल मेहमान, और वो क्या हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हमने जो है रात को मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक रेसिपी बनाई थी, उसका हमने वीडियो क्लिप बना लिए थे थोड़े थोड़े करके, ठीक है। कुछ मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और कुछ मैंने बनाई थी, ठीक है। एक ही रेसिपी थी पर वो हांडी में थी, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप चलिए वो देखें और फिर मैं उसके साथ बाद में ना लास्ट में आपको दिखाऊँगी वीडियो के एंड पे कि हमारे घर कौन से मेहमान आए हैं भाई। और जिनसे माहा बहुत डर रही है, बहुत माहा खौफ ज़्यादा हुई हुई है माहा, ठीक है। माहा बहू दो मेहमान जी वीडियो के एंड पे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले जो है मेरे हस्बैंड ने चिकन डाल दी थी, ठीक है, पर मैं इसी हांडी मैंने फ्राइज़ भी बनाई थी, तो एक आलू भी अगर रह गया हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं एक और कढ़ाई या एक और फ्राई पैन नहीं गंदा करना चाह रही थी। आपको पता है कि मेरी तबीयत इतनी बेहतर नहीं है, तो इसमें मेरे हस्बैंड ने नीचे पहले फ्राइज़ का देखा ही नहीं है, वो चिप्स बनी आलू वाले चिप्स जो होते हैं बच्चों को देते हैं वो थे, और फिर उसके ऊपर अचानक से चिकन डाल दी। वो एक ही था अनफॉर्चुनेटली, कहीं रह गया था, बहुत सारे ने थे, ये वाला जो एक है ना इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, तो वो मैंने निकाल लिया। अब जो चिकन डाली है इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद उस चिकन को हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा हमने ब्राउन करना है, ठीक है। ये देखें ये वो चिकन है जो हमने इसके अंदर फ्राई करी थी, ये बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी का सोचा कि इसको ना आज सालन बना लेते हैं, क्योंकि अगर छोटी छोटी बोटियाँ भी हैं तो क्या हमारे पेट में नहीं जा सकती। खैर, लहसुन अदरक को हल्का सा खुशबू आने तक रहने देना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है प्याज, जी हाँ जी प्याज शामिल करना है, पर पहले ये देखें कि लहसुन अदरक को कितना ज़बरदस्त, और खुशबू तो मैं आप तक नहीं पहुंचा सकती, पर बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ठीक है ना माहा, प्यारी खुशबू आ रही है, माहा को भी आ रही है भाई मोबाइल के अंदर से। अच्छा जी, अब ये प्याज डल गया हमारे, प्याज जो है मैंने दो लिए थे यहाँ पर, ठीक है, दो प्याज शामिल कर लिए, इनको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी, बहुत डार्क नहीं करना और बहुत हल्का सा करना है, ठीक है। प्याज हमने ब्राउन करना है बिल्कुल हल्का सा, पिंकिश सा कलर आए ना, डार्क ब्राउन नहीं करना, पिंकिश सा कलर आए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, प्याज हमारे ब्राउन हो गए, यहाँ पर मैंने दो से तीन टमाटर जो है बारीक काट ली, तो बहुत बारीक नहीं किए क्योंकि हांडी में तो वैसे भी इनका कचूमर बन जाना है, ठीक है, तो बस नॉर्मल जिस तरह आप हांडी में शामिल करते हैं, तो टमाटर शामिल कर लिए। टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था मैं हमेशा नमक पहले ऐड करती हूँ, मसाले के साथ नहीं ऐड करती, रीज़न ये है कि टमाटरों को गलाने में मदद करता है नमक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टीस्पून नमक शामिल किया, वो इसलिए एक टीस्पून शामिल किए कि बाद में अगर कम भी हो जाता है तो तेज़ करना इजी होता है, बट तेज़ हो गया तो कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने टमाटरों को कवर लगा दूँगी अब, और कवर लगाने के बाद 5 मिनट के बाद कवर हटा कर देखते हैं जी। ओए होए, टमाटरों का तो वाकई में कचूमर बन चुका है, ठीक है। और हांडी का मेरा ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि इस हांडी में मैंने अचार लगाई थी, ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या सीन हुआ था। पहले मैं मसाले ऐड कर लूँ, ये मैंने मसाले ऐड कर लिए, इसमें मसाले जो हैं इसमें जाएंगे नमक मैंने ऐड कर दिया था, लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्च, ठीक है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपका चिकन है उतना आप शामिल कर लें, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, प्रॉब्लम ये हुआ था, इस हांडी में मैंने अचार लगाई थी, और ये चूल्हा आप देख सकते हैं, ये चूल्हा जो है मेरा शदीद किस्म का गंदा हुआ इस खाना बनाने के बाद। वो क्यों हुआ, वो ऐसे हुआ कि ये हांडी जो है अपना सारा ऑयल चूल्हे पे गिरा रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर हो रहा था ये। और फिर सुबह जो है मुझे चूल्हा बहुत रगड़म रगड़ाई करके धोना पड़ा, बहुत तरद्दुद हुआ। तो भैया, आप लोग जो लोग हांडी में खाना बनाते हैं या जो लोग हांडी में अचार लगाते हैं वो बता सकते हैं, ये देखिए ये वाला जो ऑयल गिरा हुआ,
वो लोग ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा तो फर्स्ट टाइम हुआ है ना। और इसके बाद मसाला जब भुन गया अच्छे से, इसमें मैंने चिकन शामिल कर ली, और चिकन को अच्छे से भुनना है आपने, और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। चिकन को अच्छे से भून के इसमें मैंने तकरीबन एक गिलास पानी शामिल करा होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ चिकन को गलाने के लिए। हल्का सा मुझे शोरबा चाहिए था, अगर आपको शोरबा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं पानी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये आप जो है लुक देखें इसकी, अभी फ़ाइनल लुक नहीं है, पर ये पानी उबलने के बाद, मतलब के हल्का सा पकने के बाद चिकन का जो कलर आया था, और बीच में मैंने ये एक अदद आलू शामिल कर लिया था, बड़ा जो बड़ा आलू था उसके चार पांच तकरीबन आठ एक पीसेस करके आलू शामिल कर लिया था, क्योंकि मेरी बेटी ने आलू खाना होता है, तो फिर इस वजह से मैंने आलू शामिल कर दिया। और ये लास्ट लुक है, ठीक है। बड़ी झटपट बनी रेसिपी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब थी। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। और अब मैं आपको लास्ट दिखाती हूँ कि हमारे घर क्या मेहमान आए हैं, मैं ठीक है, कौन से मेहमान आए हैं जिनसे माहा बहुत डर रही है। और जी ये रेसिपी है जी, और कढ़ाई ये मुझे इसका ज़रूर बताइएगा, मिट्टी की हांडी का कि क्या सीन हुआ, क्यों लीक कर, क्या वो लीक कर रही थी, क्या वो ऑयल चूस लिया था उसने अचार का, वो गर्म होने की वजह से जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आप लोगों को क्या समझ आता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, हमारे घर जो है ये मेहमान आए हैं, ठीक है, ये दो बड़े क्यूट से मेहमान आए हैं, पर माहा इनसे खौफज़दा है। ये देखिए जी, माहा साहिबा ऊपर बैठी हुई हैं, ये जो बेचारे हैं नीचे। तो बस ये जो है ये बड़ा मासूम सा है, बड़ा क्यूटू सा है, और ये वाला जो है ना ये बहुत शरारती है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है, और ये हर एक के पैर के पीछे, अभी देखिएगा मैं इसको क्या करती हूँ, देखें ये हर एक के पीछे जा रहा है। और माहा की तो इसने ना बैंड बजा दिए, माहा ने इसके लिए देखी छोटे छोटे टिश्यू के पीसेस ऐसे ऐसे बना के ना ऐसे ऐसे करके इनको खिला रही है, क्योंकि माहा भी बहुत तंग हो चुकी है इनसे। और ये आज ही आए हैं, बिल्कुल थोड़ा टाइम हुआ है इनको आए हुए, बहुत टाइम नहीं हुआ इनको आए हुए। ये देखें बहुत क्यूट है, ये वाला बड़ा सुस्त है बेचारा, पता नहीं इसको क्या हुआ है। और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि इनको पालने का क्या प्रोसेस होता है, मतलब कि अगर हम इनको पालें या क्या करना होगा, इनको बड़ा करना चाह रहे हो तो फिर कैसे बड़ा करें, क्योंकि हम लोग बहुत मरतबा ये ले चुके हैं, तो ये तो मर जाते हैं बेचारे, दो दिन के बाद ही मर जाते हैं, अगर किसी ने रखे हों तो बताइए। तुम लोग भी बाय बाय कर दो। चलें जी, फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। चलो जी, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो। अच्छा जी, ये देखें अभी तक मेरा ब्लड का इशू है, ये देखें मेरा जो है हाथों में इस तरह के निशानात पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों पड़ते हैं, ये इस तरह के ना निशान पड़ जाते हैं, ये देखिए मेरा हाथों, जब मेरा HP कम होता है ना, जब मुझे ब्लड कम होने लगता है तो मेरे साथ ये इशू होता है। ये देखें सेम यही चीज़ पैरों पे भी होने लग जाएगी, लेकिन जिस तरह ये हाथ हुआ है ना इसी तरीके से।